तो गाइस आज बात करेंगे कुछ लीक्स, रूमर और अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट है वो है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो IFA 2018 शो में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट मेजर अपडेट है उसका जो नाम है वो रिलीज किया है। यहाँ पर उन्होंने नाम रखा है विंडोज 10 अक्टूबर 2018 अपडेट। जैसे कि लास्ट अपडेट में भी हमने देखा था वहाँ पर उन्होंने नाम रखा था अप्रैल 2018 अपडेट। तो मुझे लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट अब जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उनको मंथ वाइज और ईयर वाइज उनके जो नाम है वो रख रहा है। जैसे कि ये अपडेट अक्टूबर मंथ में आएगा तो वहां पर अक्टूबर 2018 अपडेट, तो शायद 2019 में भी कुछ ऐसा मिले देखने को। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अपडेट बनाने में शायद इतना बिजी है कि जो नए और अट्रैक्टिव जो नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट शायद नहीं खोज पा रहा है, सर्च नहीं कर पा रहा है। ये जो अपडेट है वो कब रोल आउट होगा ऐसा कोई अभी फिक्स डेट वगैरह नहीं आया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से नाम दिया गया है तो ये अपडेट आपको अक्टूबर मंथ में रोल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट इस बार हमें क्या क्या नए नए फीचर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर AMD ने Threadripper 2 2950X प्रोसेसर को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। US के मार्केट में तो ये अवेलेबल है लेकिन शायद इंडिया के मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन साइट्स वगैरह चेक करी थी तो वहां पर वो नहीं दिखा रहे थे। तो शायद कुछ दिनों में, कुछ समय बाद वो आपको इंडियन साइट्स में भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेसर में हमें मिलते हैं 16 कोर N32 थ्रेड और ये प्रोसेसर रिप्लेस करेगा अपनी फर्स्ट जनरेशन को 1950X को। यहाँ पर AMD ने इस बार इसकी जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है 2950X की उसको 400 MHz बढ़ा दिया है उसकी फर्स्ट जनरेशन से 1950X से। परफॉर्मेंस में नो डाउट जैसे उनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वैसे ये भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छे ही रहेंगे जिस प्राइस रेंज में ये अवेलेबल हैं। और AMD के साथ यहाँ पर इंटेल ने कुछ नए लैपटॉप प्रोसेसर को लॉन्च किए हैं यू सीरीज और वाई सीरीज में, विस्की लेक और जहां पर आपको कोर i7 में अप टू 4.6 GHz तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देख पाएंगे। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन, स्कोर काउंट वगैरह सेम है अपने पुराने मॉडल जैसे। यहाँ पर इंटेल का जो अपकमिंग इवेंट है जहाँ पर वो 9th जनरेशन डेस्कटॉप CPU को लॉन्च करने वाला है, वहाँ पर उसके लिए मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इंटेल को इस बार काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहना पड़ेगा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को लेके, क्योंकि पहले इंटेल के पास कोई ऐसा कंपटीशन था नहीं, लेकिन अभी AMD है, AMD के राइजन CPUs हैं और जो राइजन CPUs है वो इंटेल CPU से हेड टू हेड कम्पीट कर रहे हैं और काफ़ी सारे एक्सपेक्ट में वो इंटेल CPU से आगे भी हैं, स्पेशली दैट मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस में। इंटेल के जो 9th जनरेशन CPUs है जो आने वाले हैं, जो लॉन्च होने वाले हैं, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को पसंद नहीं आ रही है। जैसे इंटेल कोर i9 लाइनअप को जबरदस्ती नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड में इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोर i9 को सेपरेट ही रखना था एंथुजियास्ट और वर्क स्टेशन वगैरह के लिए। जो कोर i9 9900 की है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अभी नहीं लॉन्च हुआ है, वहाँ पर हमें 8 कोर और 16 कोर देखने को मिलेगा जैसे कि र्यूमर है। तो वो चीज़ें जो 8 कोर 16 थ्रेड है वो चीज़ वो हमें कोर i7 में ही प्रोवाइड कर सकता था और कोर i5 और कोर i3 को अपग्रेड कर सकता था। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं, अपनी जो लाइनअप है उसको बड़ा ना करके उसको अच्छा बनाते वो ज़्यादा ठीक रहता मेरे हिसाब से। और वैसे ही इंटेल ने कोर i9 CPU लॉन्च कर दिया है लैपटॉप के लिए, वो क्या है 8950H के, जिसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.8 GHz की और कोई लैपटॉप ढंग से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और जो कर भी रहे हैं वो हाई टेम्परेचर्स पर काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब ऐसे CPU का जहां पर हम उसकी फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लैपटॉप में, क्योंकि कूलिंग सोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा लैपटॉप में सफिशिएंट नहीं है उसकी 4.8 GHz की फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए। ओवरक्लॉकिंग तो दूर की बात है, जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो अचीव नहीं हो रही है, तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं बनता है। और ये चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोर i9 को नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड में इंट्रोड्यूस करना वो ठीक नहीं है, कोर i7, i5, i3 को ही अपग्रेड करते वो ज़्यादा अच्छा रहता, बेटर प्राइस में लाते, परफॉर्मेंस अच्छी रहती, तो वैसे ही मार्केट अच्छा रहता। ये मेरे थॉट्स है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कुछ नए स्मार्टफोन से कुछ लीक्स एंड लॉन्चेस के बारे में। तो 12th सितंबर को एक लॉन्च इवेंट है एप्पल का जहां पर वो लॉन्च करने वाला है कुछ नए स्मार्टफोन्स, अपने एप्पल वॉच और कुछ नए अदर प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन XS। तो बेसिकली जो XS है वो अपग्रेडेड वर्जन होगा आईफोन एक्स का और एप्पल वॉच सीरीज 4। तो और भी कुछ नए नए प्रोडक्ट होंगे, कुछ अपग्रेडेड वर्जन होंगे किसी ओल्ड प्रोडक्ट के, तो कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पर 5th सितंबर को Xiaomi का एक लॉन्च इवेंट है इंडिया में जहां पर वो लॉन्च करने वाला है Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro। और रिसेंटली Xiaomi ने यहां पर इंडिया में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, वो है Xiaomi का Mi A2 और Poco F1।
Xiaomi का जो Mi A2 है उसकी जो प्राइस इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थी। लेट्स सी कि इनकी प्राइसिंग क्या होती है। स्पेकुलेशन है कि इनकी जो प्राइसिंग है वो 8000 से 11000 के बीच के आसपास में रहनी चाहिए। अगला है वो एक लीक है गूगल के पिक्सल 3 स्मार्टफोन के बारे में है। तो पिक्सल 3 स्मार्टफोन के कुछ इमेजेस वगैरह लीक हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई नॉच डिज़ाइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो शायद गूगल नॉच डिज़ाइन को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करने वाला है और टोटली एक्सक्लूड करने वाला है अगले पिक्सल 3 स्मार्टफोन में। और यहाँ पर कुछ और इमेजेस वगैरह लीक हुए हैं, जहाँ पर हमें देख रहे हैं कि डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा हमें इस बार देखने को मिल रहा है गूगल स्मार्टफोन में, और रियल में हमें सिंगल कैमरा है। आई डोंट नो कि ये क्या पॉइंट है कि फ्रंट में हमें डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है और रियर में सिंगल कैमरा। गूगल इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है या फिर करने का सोच रहा है ये चीज़, अब जब ये लॉन्च होगा तब हमें इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला जो अपडेट है वो है बैटलफील्ड 5 गेम के बारे में है। तो इस गेम का जो ऑफिशियली रिलीज डेट था वो था 19 अक्टूबर 2018, लेकिन इस गेम का जो रिलीज डेट है पूरा डिले कर दिया गया है, एक महीना 1 मंथ इसको डिले कर दिया गया, और अब ये गेम रिलीज होगा 20 नवंबर 2018 को। और इसका कारण बताया जा रहा है कि इस गेम में कुछ फाइनल एडजस्टमेंट करने हैं, जिसकी वजह से इस गेम का जो रिलीज डेट है पूरा एक महीना डिले कर दिया गया है। मे भी रेट रेसिंग इसका कारण हो सकता है। गेम की बात चल रही है तो यहाँ पर CSGO काउंटर स्ट्राइक गेम अब फ्री में अवेलेबल है प्ले करने के लिए स्टीम प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप काफी समय से इंतजार करते हैं इस गेम को प्ले करने के लिए फ्री में, तो अब आप वो कर सकते हैं। जो फ्री वर्जन है वो लिमिटेड है ऑफलाइन प्ले के लिए, और अगर आपको ऑनलाइन फीचर्स को यूज करना है, इस गेम को ऑनलाइन खेलना है, तो आपको इस गेम को परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन की अगर बात करें तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका मार्केट आज के डेट में काफी बढ़ता जा रहा है, यूजर्स बढ़ रहे हैं और ये VPNs भी काफी हैंडी होते जा रहे हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप VPN यूज करते हैं नहीं करते हैं और किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एक सर्वे निकल के आया है जिसके हिसाब से 50% VPN यूज़र जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट देखने के लिए VPNs को यूज़ करते हैं। VPNs को और भी काफ़ी सारे चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को देखने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पूरे दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट काफ़ी सारे हैं, हर जगह अलग अलग। मैं VPN काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, मैं ड्रैगन बॉल सुपर देखने के लिए काफ़ी बार यूज़ किया हूँ, लेकिन अभी वो आता नहीं तो मैं यूज़ करता नहीं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बस गाइस, यही कुछ अपडेट शेयर करना था आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन में भी क्लिक करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। सो गाइस, दिस इज प्रसन्न मालविया एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।